वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे वी डिस्कशन सम मल्टी चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉन एज रिवर ऑफ लाइफ तो रिवर ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है ब्लड को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन वाई डिस्कवर्ड वाई तो ब्लड सर्कुलेशन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने किया था विलियम हार्वे ने किया था साइंटिस्ट विलियम हार्वे नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन एडल्ट तो एडल्ट में टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है फाइव टू सिक्स लीटर होता है फाइव टू सिक्स लीटर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड हैं और आप ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस ब्लड से ज़रूर ही पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल जी पर हंड्रेड एम एल क्लियर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं द फ्लूड पार्ट ऑफ ब्लड ब्लड का फ्लूड पार्ट क्या होता है प्लाज्मा होता है जो ब्लड का फिफ्टी फाइव परसेंट होता है फोर्टी फाइव परसेंट जो होती हैं वो सेल्स होती हैं क्वेश्चन नंबर सेवन प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रीनोजन हैज एन एक्टिव रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रीनोजन होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोवियोलिन फंक्शन एच तो एंटीबॉडी की तरह फंक्शन करती है बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोवियोलिन एच ए एंटीबॉडीज क्वेश्चन नंबर नाइन है प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन इन मेंटेन द ब्लड पीएच तो प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन होती है वो ब्लड पीएच को मेंटेन करके रखती है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन नंबर का डिस्क सेव्ड ब्लड सेल्स कौन सी होते हैं बाई सेव में तो वो आर वी सी होती हैं रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स तो जिस ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियट नहीं होता है वो कौन होती है आर रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है क्वेश्चन रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन आर तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आर वी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरवीसी रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरवीसी या रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरवीसी तो आंसर क्या होगा हीमोग्लोबिन होगा हीमोग्लोबिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एच बी लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वी सी प्रोड्यूस इन द तो आर वी सी का प्रोडक्शन कहाँ होता है बोन मैरो में होता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन हीम नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लोव्यूल ग्लोबिन नेक्स्ट क्वेश्चन से ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है स्प्लीन में और आर वी सी प्रोड्यूस कहाँ होती, होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक इन द बॉडी तो बॉडी में ब्लड बैंक किसको कहा जाता है स्प्लीन को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ आर तो आर की लाइफ स्पेन कितनी होती है वन ट्वेंटी डेज होती है टोटल काउंट इन मीजर वाई इन इंस्ट्रूमेंट नॉन हीमोसाइटोमीटर हीमोसाइटोमीटर से क्या मेजर करते, है? करते हैं आरबीसी आरबीसी टोटल आरबीसी को हीमोसाइटोमीटर से मेजर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिक्रीज इन आर वी सी काउंट इज नॉन एच जब हमारी बॉडी में आर वी सी डिक्रीज हो रही हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं तो अनेमिया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी टू एन इंक्रीज इन आर वी सी इज नॉन एच जब हमारी बॉडी में आर इंक्रीज हो रही है तो इसको क्या कहेंगे पॉलीसाइथीमिया पॉलीसाइथीमिया आर का इंक्रीज होना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाई कंसनट्रेशन ऑफ ब्लूरोविन इन द ब्लड कोच जब हमारी बॉडी में ब्लोवीन की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है तो इस कंडीशन में एक डिजीज हो जाती है जॉन्डिस नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर द डिजी रेसिस्टेंट ब्लड सेल्स डब्लू बी सी डब्लू सी वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइड जिसको कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डब्ल्यू बी सी इज नॉन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कौन सी डब्ल्यू बी सी है जो सोल्जर की तरह बॉडी में वर्क करती है न्यूट्रोफिल आंसर क्या है न्यूट्रोफिल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट डब्ल्यू किसको कहा जाता है मोनोसाइट को कहा जाता है मोनोसाइट स्मॉलेस्ट डब्ल्यू किसको कहा जाता है लिम्पोसाइट्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग डब्ल्यू तो जो डब्ल्यू होती है कौन सी डब्ल्यू होती है जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूसिंग करती है क्लियर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप नोट डाउन जरूर कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यू तो डब्ल्यू की लाइफ स्पेन कितनी होती है टेन टू फिफ्टीन डेज होती है ब्लड सेल परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग ब्लड सेल्स परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग में तो ब्लड सेल्स जो होती है इम्पोर्टेंट रोल करती है ब्लड क्लॉटिंग में थ्रम्बोसाइड्स प्लेटलेट्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल्स इज कॉल्ड बेसल्स इज कॉल्ड थ्रोमोस थ्रम्बोस नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोगुलेंट प्रजेंट इन ब्लड तो एंटीकोगुलेंट प्रजेंट होता है इन ब्लड में हेपेरिन और हेपेरिन से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा यानी कि हाइड्रोपोलिसकेराइड का एग्जाम्पल भी क्या होता है हेपेरिन होता है हैड्रोपोलीसेकेराइड जो एक एंटीकोगुलेंट भी है तो हेपेरिन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हेरीडिट्री ब्लीडिंग डिजीज हेरीडिट्री ब्लीडिंग डिजीज हीमोफीलिया हीमोफीलिया नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडर्स डिजीज हीमोफीलिया होती है डिजीज़ ये भी हीमोफीलिया होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टाइप ऑफ अनेमिया विद सेफ्ड एनेमिया का एक टाइप होता है जिसमें होता क्या है कि सिकिल सेफ आरवीसी हो जाती है तो उस अनेमिया को क्या कहते हैं सिकिल सेल अनेमिया कहते हैं सिकिल सेल अनमिया नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्कोसिटी ऑफ ब्लड ब्लड की बिस्कोसिटी कितनी होती है फोर टू फोर पॉइंट फाइव से फाइव पॉइंट फाइव होती है फोर पॉइंट फाइव से फाइव पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन को मेजर किससे करते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिनोमीटर से नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिमोनस्ट्रेटेड ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप को डेमोन किसने किया था स्टीनर और हुमोनस्ट्रेटेड आर एच फैक्टर को लैंड स्टीनर और एक और साइंटिस्ट थे बिनर जिन्होंने आर एच फैक्टर की डिस्कवर किया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है ब्लड ग्रुप विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है राइट आंसर ब्लड ग्रुप ओ है क्वेश्चन ब्लड ग्रुप विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है ए बी ए बी ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है क्लियर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं और आज की क्लास में फोर्टी थ्री क्वेश्चन कवर होंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इससे आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फोर्टी थ्री नंबर का ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन एमंग द एशियन तो ब्लड ग्रुप वी राइट आंसर है ब्लड ग्रुप बी क्लियर सो so, आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो यदि अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक तो बनता ही है थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास